हकीकत है ये सिलसिले की इम्तियाजी शान है, हर सिलसिले की अपनी अपनी इम्तियाजी शान होती है, लेकिन इस सिलसिले की इम्तियाजी शान है जिसे बाबू हजूर को देखते देखते मुरीदों में भी देखते देखते मुराकिबा की तरफ ज्यादा रुझान होता और अपनी जिम्मेदारी की तरफ ज्यादा रुझान होता क्यों ना रुझान हो चप चप हजरत शेख ख्वाजा पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर मुर्शिद अफगानिस्तान से अपने शहीद मुईस से कहा हिंदुस्तान का अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह प्यार से बोलो सुभान अल्लाह और जब जाने लगे तो कहा क्या सुनो जब तुम हिंदुस्तान जाओगे तुमसे वहां एक नूरे नजर की मुलाकात होगी बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह एक नूरे नजर की मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे दामन से वाबस्ता हो जाएगा बोलो सुभान अल्लाह तुम्हारे दामन से वाबस्ता हो जाएगा और ऐसा अजीम होगा कि वो आला को मुनव्वर कर देगा और ये कौन है जो हजरत ख्वाजा बाकी खाली रहमत अल्लाह अलैह के दामन से वाबस्ता हुए जिन्होंने आला को मुनव्वर किया वो हुजूर महबूब सुभानी इमाम रब्बानी मुजद्दिदे अल-फसानी शेख अहमद हमदी फारूकी जिनकी साख और शख्सियत वो है वो खुद बयान फरमाते हैं कि मुझे सिलसिला नक्शबंदिया की खिलाफत अता हुई और मैं कई वास्तों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत रखता हूं बहुत बहुत अरे कोई तवज्जो है ना जहन मुकम्मल हाजिर है समझ के आइए कितना अजीम सिलसिला है सिलसिला नक्शबंदिया जिसमें आप दाखिल हुए हैं और पीर का नाम नाम है और पीर को अपने अकीदा की मरकज बनाया है हजरत शेख इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि मुझे सरकार की निस्बत 21 वास्तों से सिलसिला नक्शबंदिया से हासिल है अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह और 25 वास्तों से सिलसिला कादरिया से हासिल है और 27 वास्तों से सिलसिला चिश्तिया से हासिल है मैं आपकी आवाज को चाहता हूँ 450 साल गुजर गए ये हमारे का भी दिल का दिन आपस में कितना प्यार आदमी मोहब्बत की माने रब्बानी शेर सरहदी ने किस तरह दूसरे सिलसिलों को भी एहतराम फरमाया और कितनी सादा के साथ सिलसिला काकरिया और चिश्तिया की निस्बत को कबूल ही नहीं किया बल्कि फखरिया तौर पर ऐलान हिंदुस्तान जहां अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ अकबर ने अपनी बादशाह की है
और अकबर के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें मैं बता दूं, अकबर ने अपनी जिंदगी के तीन दौर गुजारे हैं। जो अकबर बादशाह का पहला दौर था तो उस दौर में वो सुन्नी था, मस्जिद में झाड़ू लगाता था, मस्जिद में अजान दे रहा था और उलमाए किराम की चुटिया सीधी कर रहा था। मगर फिर हुआ क्या, ये वही हुआ जिससे आज हर हर आदमी आदमी को बचना चाहिए। अकबर के साथ साथ उलमाए सू लग गए और उलमाए सू ने अकबर को बढ़ावा देना चालू कर दिया और उलमाए हक्का के खिलाफ बकवासें चालू कर दिया। आखिरकार नतीजा ये हुआ कि अकबर उलमाए हक से गुमराह हो गया और उसने उलमाए सू पर सबसालीन उलमा का कयास कर दिया। इस्लाम के मुकाबले में दीन इलाही चला गया। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, अलग से एक फजर बनाया और तकिया कर दिया। इस्लाम का चिराग भारत में बुझने लगा, इस्लाम का चिराग हिंदुस्तान में आंधी पकड़ने लगा। रियासतें रुक गई, यूपी घबरा गया, बिहार घबरा गया, पूरा भारत बेचैनियों का शिकार, मुल्क का गोशा गोशा जहांगीर के वापस आने के बाद
इमाम बाबा के खिलाफ प्रवासे भरे हुए कहा आए थे, उन्होंने सबसे तारीफ नहीं किया, चुगली चलने लगी, ईबत चलने लगी, ग्वालियर के जेल में डाल दिया गया। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, बोलो जेल खाली रहना, मेरी बातें समझ आ रही नहीं, बोलो तवज्जो समझ रहे हो, ग्वालियर के जेल में डाल दिया गया आपको, और हुकूमतें जेल में डालने के बाद भी परेशान हो जाती है और अपने फैसले पर पछताती है, डाला था कैदी बना करके और जब जेल से निकले मुझे मिले अधिकारी को हाथी के कुरान बना के दिए, तवज्जो फरमाइए जरा, और जेल के अंदर भी ग्वालियर के किले के अंदर भी कई हजार मुस्लिमों को दाखिल इस्लाम कर दिया, कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान कर दिया। याद रखो इन बुजुर्गों की तहरीक कभी रुकती नहीं है, चाहे मैदानों में हो, चाहे मैदानों में हो, चाहे कारखाने में हो, चाहे कैदखाने में हो, ये इस्लाम का प्रचार करते रहते रहते हजरत। उसके बाद मुजद्दी साहब के तालुक से जहांगीर ने फैसला किया कि इनको अपने मुशीरे कारोबार हजरत ने कबूल कर लिया ताकि इस्लाह होती रही, और ये एक ऐसा बहाना था इसके जरिए इस्लाह होती रही ताकि अकबर का फितना मिटता रहे, मिटता रहे, मिटता रहे, और इस्लाम की बुलंदियों पर आ गया। हजरत खुद फरमाते हैं कि मैं अजमेर शरीफ पहुंचा, बोलो सुभान अल्लाह। साहब जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो फरमाते हैं कि मैंने वहां से जाकर अपने बेटे ख्वाजा सईद फारूकी को खत लिखा, तवज्जो कीजिए अल्लाह वाला, उनको खत लिखा कि बेटा जैसे जिंदगी गुजरे गुजारता रहना, जैसे जिंदगी गुजरे गुजारता रहना, मगर हर हाल में दीन के मुस्तफा का काम करते रहते हैं। हजरत फरमाते हैं इमाम रब्बानी कि जब मैं हाजरी के लिए पहुंचा बड़ा शख्स पे तो इत्तेफाक ऐसा उसी दिन गरीब नवाज के मजार को गुसल दिया गया था। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, इसका मतलब ये है कि गुसल का रस्म रिवाज बड़ा पुराना है। बोलो हजरत सैयद सालार मसूद गाजी हैं, 2 साल पहले मैं उनके उर्स की तकरीब में हाजिर हुआ तो 1011 सालाना उर्स चल रहा था। कुछ लोग लोग बचते ही रहे कि अभी अभी बरेली वालों ने उर्स निकाल लिया, ये तो एक जमाना हो गया उर्स चल रहा है। बोलो सारे गरीब नमाज की मजार पर फरमाते हैं उर्स दिया गया था और खादिमों ने चादर बदला था, खादिमों ने वो चादर मुझे अता फरमा दिया। देखो जरा वक्त का मुजद्दी गरीब नमाज की मजा की चादर लेके कितना खुश हो रहा है, और फरमाते मैंने उस चादर का गले लगाया और दिल में फैसला किया कि इससे कीमती तोहफा और क्या हो सकता था कि वली की चादर आ गई। उसके बाद आपने अपने बेटे ख्वाजा सईद फारूकी को वसीयत किया, नोट करो, वसीयत किया कि बेटा जब मेरा इंतकाल हो रहा है तो अलग से सफर लाने की जरूरत नहीं है, शादाए खाजा में लपेट लेना और अहमद वाहिदी के हवाले कर देना, ये है अल्लाह वाले। इसीलिए लोग मदारों को जाते 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 आपकी वाली पूरे बंगाल से, बिहार से, नेपाल से, मुंबई से, झारखंड से, दिल्ली से, गुजरात से, अलग अलग रियासतों से आप चले आए, क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं मजार पर हाजिरी देंगे, उसमें हाजिर होंगे, उसके बाद कौन शरीफ होगा, बाबू हजूर दुआ फरमाएंगे। अरमान क्या कितने थके खाना पड़ा, टिकट हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म था या नहीं था, कहां सवारी मिली कहां नहीं मिली, किन बेचैनियों से गुजरते रहे, और आलिया समर्थन दिया, दरभंगा में आकर हाजिर हो गए।
कलकुल शरीफ से नकली होगी बाबू बाबू लौट रहे तुम अपने सारी सामान उठा के वापस लौट चोगे। बहुत सारा समाज लोग ऐसा वैसा है ना, नासुकी करने में टाइम नहीं लगता, कहते हैं कई साल से आए हैं, हर साल उस में हाजिर हुए मगर अब तक काम नहीं हुआ। वो सोचा था ना हमारा पलाट बना गया नहीं आया, वो फुला के बच्चे की शादी हो गया नहीं आई, गाड़ी आ गया नहीं आई। मैं ईमानदारी से लगा हूँ जो तुम्हारे दिल में है जो कहना चाहते हो नहीं कह रहे, ये मत कहा करो कि दुआ बुआ नहीं हुई, कहना है तो ये कहा करो डिमांड पूरी नहीं हुई। बोलो जो डिमांड लेके उसके में आए थे वो डिमांड पूरी नहीं हुई। अब मैं तुम्हें फायदा बताता हूँ दुआ का, बोलो बहुत अच्छा सुधार हुआ। अगर तुम्हारी गाड़ी ना मिले, पर्याप्त ना मिले, मकान ना मिले, तुम्हारी मर्जी का कोई काम ना हो तो ये समझ लेना हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, मगर कुल की दुआ में शरीक होने वालों इतना बड़ा फायदा, इतना बड़ा फायदा होगा कि उस दुआ के सस्ते में जो तुमने अल्लाह का मांगा है, अल्लाह मुराद भी का है, मौला का है, किबरिया का है, कबीर का है, कादी का है, मौला का है, बड़ा का है, उसको नाम किया तुम्हारी इस दुआ को तुम्हारे नामे आमाल में ज़खीरा कर दो। तो उस वक्त कहते हो पता क्या कहेगा, मोमिन क्या कहेगा, काश हमारी और दुआएं ना कबूल हुई होती और आज आपका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। ये है दुआ, इसलिए बहुत अच्छे इरादे के साथ मोहब्बत के साथ दुआ दुआ करो। माँ हसन स्कूल की दो वो तकरीर, अच्छा मजारों पे आते हो और आने के बाद उसी के आयत में जल सुनते हो। बहुत सारे लोग मजार पे आते रहते क्योंकि मैं आपसे यही कहूंगा कि मजार पे आते आते इस साल सलाम वहीं से कर लेते, दुआ वहीं से कर लेते, फातिहा वहीं से पढ़ लेते, लेकिन वली की मजार पे नहीं मारो, आली हुजूर पर एक अल्लाह के आस्थान की मानो, मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर की मानो, ये फातिहा तो अपने घर से पढ़ सकते थे मगर मजार पे इसलिए आए हो, बड़े चालाक हो, सब समझते हो, जहां पर अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत जारी होती होती है। चलो उस जगह चलकर खुदा को पुकारो जहां से अल्लाह की रहमत है। हाँ तो तरीका इसी को जब मजार पे लाया करो तो पैतियानी से जाए, बोलो कहां से, पैतियानी से जाओ, साहिब मजार को सलाम करो। और बहुत सारे लोग जानते हो मैं सलाम ना हुआ गए बयानी के बाद मजार को करवाने वाले लगता है बड़ा वफादार मरीद आया है और हजरत बहुत थके हैं आज सारी थकावट उतार दिया, ये जाहिलाना रस्म है
आए हो तो इन जलसे से खानकाओं से कुछ सीख के जाओ, जाके हजार को हटाया करो, बल्कि सुनो नक्शाबंदियों जब जब कैसे चला करो तो आके मजार को न हटाओ, बल्कि सुनो अपनी मां के पैर भरवा के चला करो, अपने बाप के सर पर तेल डाल कर चला करो, मां बाप को राजी करो और मां बाप बनाओ और तोला के लिए हाथ उठा दो तो याद रखना तेरे देवा के लिए हाथ उठाएंगे इस अपने ना पाएंगे अल्लाह इन हाथों में तुझे तोला का सजा दे देगा, क्यों खुदा की रहमत रहेगी ऐसा फरमाता है जिसकी मां भी रानी है जिनका बाप भी रानी है, अब तो अल्लाह का वही सलाम करो और जिंदगी में जितनी दूर खड़े होकर उनका पाप लगाए थे उतनी दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो, और अगर मुलाकात नहीं रही है तो कम से कम 10 का सुर खड़े होकर पढ़ो, पूरी तवज्जो है और खड़े होकर भी पढ़ो फातिहा। अब एक बात और सुन लीजिए, जब फातिहा पढ़िए ना तो आदाब उलूम में है कि अपनी पुष्ट अपनी पीठ काबे की तरफ करो, पीठ किधर करो तवज्जो दीजिए, पीठ काबे की तरफ, किसी मजार पे जाओ घर वालों की कब्रों पे जाओ मां बाप की कब्रों पे जाओ पीठ काबे की तरफ, मुंह काबे की तरफ नहीं, पीठ दूसरे बोलो समझ रहे पीठ काबे की तरफ, अब समझ में आ गई नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, अरे बोलो 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 नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, कब्र पे जाके फातिहा पढ़ो तो पीठ ही काबे की तरफ, सुन्नियों तुम्हारा तरीका है फातिहा बता रहा है कि ये मजार पर इबादत करने नहीं आया है, इसकी पीठ जो काबे की तरफ है इबादत में तो मुंह काबे की तरफ होता है, ये वही की इबादत करने नहीं आया है, क्योंकि अल्लाह हवाले की ये ज़ियारत करने आया है। नारे नबी नारे रिसालत अकाइदे अहले सुन्नत, नमाज अदा होता है नियाज अदा होता है, मगर दोस्तों अफसोस ये होता है कि आप नियाज नहीं पढ़ते, नमाज नमाज अमल किया करो, जो कुरान पाक में इस समझ का दिया था हमने नमाज का इस्तेमाल है, हम तो करेंगे अल्लाह पूरे मुल्क में ऐसे ही सही तमाम का होगा, हर जगह लोग नमाज पढ़ाए नमाजों से गफले दूर करो, नमाजों से दूरी मत निकाले करो, नमाज की पाबंदी करो। मैं अपने आखिरी मतलब में आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है और उसी की तकलीफ है, इंशाअल्लाह फिर जब मुलाकात हमसे आपसे होती रहेगी एक बात और मोहब्बत से सुन लीजिए, आप सोच रहे खिताबत की चौड़ाई से मैं समझा रहा हूं, हदीस शरीफ का मफहूम है, देखो जरा तवज्जो करो, बनी इसराइल में एक शख्स ऐसा है जो बनी इसराइल जिनके लिए कुरान कहता है बनी इसराइल के वाकयात याद करो उनसे इबरतें हासिल है, एक शख्स उसमें ऐसा था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया, कितने लोगों का कत्ल किया था 99, लेकिन उसके दिल में तोबा का ख्याल था, तोबा बहुत बड़ी चीज थी, कर लो तोबा आज आए रास्ता से तो अपने पीर मुर्शिद के हाथों पर अपने गुनाहों की तोबा करके जाओ, अल्लाह इन नबियों के सबके से माफ करा दे, तोबा करना चाहिए। मैंने एक साथ से मुलाकात होकर उससे पूछा, भाई ऐसा है 99 आदमी और कत्ल किया है तो मुझे तोबा करना कोई रास्ता है, उसने कहा अरे चला यार 99 कत्ल करने के बाद तोबा की बात कर रहे हो, मेरा ख्याल है इंडिया गांव का हो कहता 900 चूहे खाने के बाद दिल्ली चली है आज की अपना ऐसा चल जाएगा, तो उसने सोचा कि 99 में तोबा कबूल नहीं होगी तो फिर निगाह पीछे की चल जाए, संचिरी पूरी कर दी, उसका कत्ल कर दिया, 100 पूरे कर दिए, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसके दिल में ख्याल आया कि अगर अल्लाह तौफीक दे देता तो मैं तौबा कर लेता, एक साथ से फिर मुलाकात हुई उनसे पूछा भाई तौबा के लिए कोई गुंजाइश है,
का क्या बता रही है मैंने बता दिया था साहब ने कहा तो आप उम्र नहीं होगी तो उनका भी कर दिया सब पूरे हो गए अब आप आगे को जानता है कि बादशाह था उसने सोचा कि एक सोए पूरा व्यवहार लगा के ने कहा भाई मसला बड़ा गहरा है मैं नहीं बना सकता मैं छोटा मोटा आदमी ऐसा करो सामने एक बस्ती है चले जाओ उस बस्ती में कुछ अल्लाह वाले रहते हैं अरे बोलो सुभान अल्लाह कुछ अल्लाह वाले बंदे रहते हैं सालिहीन रहते हैं उस बस्ती में चले जाओ यहाँ पर एक बार मैं आपको बोलूंगा बहुत बहुत दुआ करते हैं अल्लाह के हाथ के वाला कबूल हो जाए मगर मुल्ला के हाथ के वाले कबूल हो ये जल्दी से किसी की तोबा नहीं कबूल करते हैं इसी से फितने पकते हैं हालात खराब होते हैं तवज्जो कीजिए उसने तोबा का काम नहीं होगी तो उसका भी खत्म कर दिया अब ये चालाक का इस्तेमाल वलियों के पास जाओ मसला पड़ा अब वलियों की तरफ जब ये चला तो रास्ते में इसका इस्तेमाल हो गया रूही का मैं अजार के फरिश्ते आ गए हदीस शरीफ का मफहूम है वो बाजार में जाने आ गए अजार के फरिश्ते आ गए इसे हम ले जाएंगे 100 आदमियों का काफिला लाए वही आखिर के सामने रहमत के फरिश्ते खड़े होते हो कहा इसे हम ले जाएंगे या जाके वलियों से मिलने जा रहा ये वलियों से मुलाकात करने जा रहा था हम ले जाएंगे इतने जो खुदा ने हुक्म फरमाया फरिश्तों जमीन ना दो अगर मरने वाले से इसका क्या करीब है तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाए अगर ये मरने वाला मेरे वलियों से करीब है तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाए जमीन ना भी गई अल्लाह ने समझ जाने का हुक्म दिया जब ना भी गई तो एक बारिश की ये शख्स अल्लाह के वलियों से करीब मुझे मौके से बताओ कहां आए हो अल्लाह के वलियों की ज़ियारत के लिए आए हो लेकिन दोस्तों चलते चलते मैं आपसे यही अर्ज करूंगा और यही गुजारिश करूंगा आए हुए हो तो खानकाह का जो पैगाम है उस पैगाम का पालन करो खास तौर से नमाज पढ़ो और नमाज की जिम्मेदारी का अपनाओ ताकि दूसरों को पता चल जाए कि आली हुजूर का वफादार आ रहा है आली हुजूर का चाहने वाला आ रहा है سلسلہ سمرقندیہ سے وابستہ انسان چاہتا ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین